बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के बाद बहुत सारे ऐसे बयान पाकिस्तान से आए हैं जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि जी हम वापस करने को तैयार हैं। यूएस लगातार से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार फोन कॉल पे जुड़ा हुआ था, बात कर रहा था, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से ये हमें पता चल रहा है मीनाक्षी कि भारत नहीं चाहता कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। हम जानते हैं कि अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया है भारत को, और चीन बहुत ही एम्बिग्यूस रहा है, कोई क्लैरिटी के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस पूरे मामले के को लेकर, लेकिन भारत कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहता। अगर मामले को सुलझाना है तो भारत और पाकिस्तान को ही सुलझाना होगा, और पाकिस्तान को सबसे पहले तो भारत के इस पायलट को वापस करना होगा। उसके बाद अगर कोई भी बातचीत होगी, लेकिन वो तब होगी अगर पाकिस्तान आतंकवाद और जो जैश ए मोहम्मद के कैंप है उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दे। बिल्कुल, और जिस बात को लेकर हम ये सवाल पूछ रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया उसे लेकर क्या हलचल दिल्ली में है, तो एक बार अपने दर्शकों को राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान भी सुनवाते हैं। आई थिंक रीजनेबली अट्रैक्टिव न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, दे बीन गोइंग एट इट एंड वी बीन इन्वॉल्वड इन ट्राइंग टू हैव देम स्टॉप, and we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately, so we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace, and I think probably that's going to be happening. संजय अग्रवाल जी, जो अभी पूरी परिस्थितियां हमने डिस्कस की हैं पिछले 10 मिनट में ही, जिस तरह से तस्वीरें लगातार बदली हैं, एक के बाद एक जो नई खबरें सामने आ रही हैं, बहुत हलचल का दिन आज दिल्ली में भी है बैठकों को लेकर। एनएसए अलग बैठक कर रहे हैं, उसके बाद शाम को भी सीसीएस की एक अहम बैठक होने वाली है। किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप तो खुद सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, तो आप इस सिचुएशन को बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, खुशकिस्मती है कि आपके चैनल के मार्फत जो आपके दर्शकों को बताया, जो पहली चीज़ बताई वो आधे घंटे के बाद औपचारिक रूप से सामने आ गई, आपने ही बताया। फिर ये जो चीज़ बताई ये अब बताने के 10 मिनट बाद औपचारिक रूप से सामने आ गई। सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। एमईए के सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय पायलट को कुछ भी हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे, भारतीय पायलट की जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। तो भारत यहाँ पर अपने सख्त स्टैंड पर लगातार कायम है, क्योंकि इसके आधार पर ही बातचीत की दिशा में कुछ हो सकता है, लेकिन ये पहली सूरत है कि आप पायलट को वापस लौटाएं। जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्धबंदी का स्टेटस दे न दे, इसको लेकर फैसला होगा, रिहाई कब होगी इसे लेकर हम तय करेंगे, लेकिन एमईए ने सीधे क्लियर कट ये कह दिया है कि पायलट की रिहाई से कम कुछ भी मुमकिन नहीं है, और इसके लिए कोई डील नहीं हो सकती, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। ये बहुत अहम यहां पर स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान को। भारत ने यह सख्त संदेश दे दिया है कि पायलट के हवाले से किसी तरह की डील या नेगोशिएशन की उम्मीद ना करें। बातचीत एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय की तरह ही ट्रीट होगी, लेकिन पहले भारत के पायलट की रिहाई हो ये इंश्योर करे पाकिस्तान, जो उसे सबसे पहले कदम के तौर पर उठाना चाहिए। और यही मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूं। तो आपका जो सवाल है कि अभी क्या हो रहा है, इस पे इस समय विशेष टिप्पणी करना, विश्लेषण करना, देखिए देर आर लेयर्स विद इन लेयर, जैसे आप प्याज छीलते हैं, ऊपर की परत, अंदर की परत, अंदर की परत। हर सरकार में और खासकर भारत सरकार में इतनी क्षमता है। सर, ये आप रिस्पॉन्ड करेगा डिटेल में, इस पे मैं रिएक्शन जरूर ले लेती हूँ, क्योंकि ये खबर डिटेल में समझना जरूरी है। कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमल, देखिए बहुत क्लियर कट एमईए ये कह रहा है कि बातचीत, डील, नेगोशिएशन पायलट की कीमत पर नहीं होगी, ये दो विषय बहुत अलग हैं। पाकिस्तान को पहले पायलट को लौटाना होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, उन्होंने कहा कि ये मैटर ऑफ नेगोशिएशन नहीं है, कोई डील इस मामले पे नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि एक तौर पे उन्होंने बोला है कि पहले तो वापस किया जाए पायलट, दूसरा कहा है कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक तरह का जो पाकिस्तान क्रिएट करा है एक हिस्टेरिया और साई ऑप्स की तरह वो इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जो भारत ने किया, उन्होंने आतंकी जो कैंप्स हैं उनके ऊपर टारगेट किया था, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो एग्रेशन था,
उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, और जो अब सामने बात आ रही है कि जो टेरर अटैक्स हैं उन पर जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो इमीडिएट अनक्रेडिबल जो उन्होंने कहा कि एक्शन है वो लिया गया, भारत ने वो कार्रवाई की जो जायज थी, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई थी वो बिल्कुल एक तो नाजायज था और बिल्कुल वायलेशन था। और जिस तरह से परेड किया गया पायलट का वो भी जेनेवा कन्वेंशन का पूरा तरह से वायलेशन था। तो खास तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर वो जो पायलट है उसे एक नेगोशिएशन पॉइंट बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अभी जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं कर सकते हैं, भारत के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। और सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि वो जितने आतंकी कैंप है उनके ऊपर कार्रवाई करें, मौलाना मसूद अजहर है उस पर कार्रवाई करें, और सबसे बड़ी बात है जितने आतंकी हमले पाकिस्तान के सॉइल से हो रहे हैं उसे वो बंद करें। पहले उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद बातचीत का टर्म आएगा। बिल्कुल, हमारे साथ इस्लामाबाद से हमजा आमिर भी इस वक्त मौजूद हैं। हमजा, एमईए की सोर्सेज ये बहुत सख्त चेतावनी और सख्त संदेश के तौर पर कह रहे हैं कि पायलट की कीमत पर कोई डील या नेगोशिएशन नहीं हो सकती। पाकिस्तान को बातचीत करनी है तो वो अलग विषय है, लेकिन पहले पायलट को वापस लौटाया जाए।